यहाँ पर हलवा प्रसाद मिल रहा है। ये कहाँ से निकाला सकता है वो इतना सारा, रख ले वापस रख ले तो कैसे रख रहा है। देखते देखते मैं भी यहाँ पहुँच गया हूँ लता मंगेशकर चौक पे। आ जा रहा है गाड़ी का, 38 किलोमीटर दूर है अयोध्या धाम। तो अभी हम लोग अयोध्या मंदिर जाने निकल गए हैं और जौनपुर से 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर HP का पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। तो यूपी में भाई 90 रुपये प्रति लीटर है और अपना कोरबा छत्तीसगढ़ में जो है वो 95 चल रहा है, मतलब सीधा सीधा 5 रुपये कम है। तो उस टाइम जब ये कम हुआ था रेट था, उस टाइम BJP सरकार थी जो अपने अपने स्टेट में कम करी थी, उस टाइम यूपी में योगी सरकार थी तो वो अपने साइड से कम की थी। और अभी विष्णुदेव सहाय की जो सरकार है, BJP की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ में भी 5 रुपये कम करना चाहिए। ये सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि सरकार गया तो अब कोई ध्यान नहीं दे रहा, मतलब नया सरकार बन गया BJP का, तो छत्तीसगढ़ में 5 रुपये कम से कम डीजल ना कम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 95 रुपये जब कांग्रेस था ना तो कांग्रेस उसमें कम नहीं किया रेट को कि हम नहीं करेंगे, यूपी वाले सब कर दिए, जितने BJP शासित प्रदेश थे ना वो सब। BJP तो और महंगा किया साले। क्या हो गया, नौसुखियाँ हैं भाई, भर नहीं पा रहे हैं। भरो। अरे अभी बहुत है, सो दबाओ ना अभी थोड़ा सा। यहाँ पर 90 रुपये है, वहाँ पर 95 रुपये है, 44 लीटर डला है तो सीधा सीधा 220 रुपये का अपने को यहाँ पर फायदा हुआ है। छत्तीसगढ़ में डलवाते तो 220 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये अपना दूसरा फ्यूल कुआ है जो हुआ है 627। तो अभी हम लोग करवा रहे हैं SBI का ये फास्टैग। और ये कौन सा टोल नाका है भैया? जौनपुर टोल नाका में रुका हूँ मैं। और पेटीएम का क्या है ना, 15 तारीख को ख़त्म होने वाला है, मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद ही जाएगा पूरा। तो जौनपुर यहाँ पर फाटक आ गया था जौनपुर अपना टोल प्लाजा आ गया था, तो सोचा यहीं पर SBI का वो करवा लेता हूँ, फास्टैग करवा लेता हूँ। गाड़ी खड़ा करके ना फास्टैग करवा रहा हूँ SBI, देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो इसमें कितना में कितना मिलता भैया? 200 मेन 200 टैग भरे, 400 200 मेन और 200 मतलब 200 मेंटेन का रखना पड़ता है साला। ये बोलो मोबाइल नंबर 7752। अयोध्या धाम से आ जा रहा है गाड़ी का, 38 किलोमीटर दूर है अयोध्या धाम से और 28 किलोमीटर दूर है अयोध्या से। दिखा रहे 23 किलोमीटर दूर मलिकपुर और उधर जाएंगे सीधा तो प्रयागराज। तो अभी हम लोग क्या है नाश्ता करने जा रहे हैं कुछ, क्योंकि सुबह से खाए नहीं है और सुबह से निकले हुए तो थके हुए हैं, भूख भी लग रहा है ज़ोरदार। वहाँ जाने के बाद अपने को सिर्फ दर्शन करना है तो खाने पीने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग यहीं से खाते हुए 28 किलोमीटर पहले ही, यहाँ एक जगह है बढ़िया, यहीं से खाते पीते निकल जाते हैं। अभी ये मल्टी लेवल पार्किंग लगा दिया हूँ मैं, अब यहाँ से हम लोग क्या है ना पैदल घूमेंगे पूरा हनुमानगढ़ी अयोध्या मंदिर और पूरा जितना भी है। तो पहला फ्लोर में लगा है अपना गाड़ी, चलो हाथ हो रहा है, हाथ हो गया। तो ये पथ है, इसी से हम लोग को सीधा जाना है, यहाँ सीधा कम से कम 2.5 किलोमीटर जाना है। यहाँ पर सरयू नदी है, वहाँ पे नहाएंगे और उसके बाद फिर आके सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे। 1992 में यहाँ पर बाबरी मस्जिद तोड़ दिए थे क्योंकि यहाँ पर था राम जन्मभूमि, राम जी का यहीं पर जन्म हुआ था और बाबर जो था यहाँ पर साला
जानबूझ के मस्जिद बनवा दिया था। ये देखो ये वाला प्रधानमंत्री आवासीय योजना अयोध्या। जय श्री राम जय श्री राम। कोई वीआईपी आया लग रहा है दर्शन करने के लिए। पूरे बस भर के जा रही है उत्तर प्रदेश परिवहन। मंत्री लोग बैठे होंगे इसके अंदर में। आजकल मंत्री लोग दर्शन करवा रहे हैं क्योंकि स्पेशल गाड़ी। तो अभी यहाँ पर शाम का भोग प्रसाद का तैयारी चल रहा है। आज है महाशिवरात्रि और अयोध्या में अभी हम सीधा जा रहे हैं। ATS की बस खड़ी है, यूपी पुलिस की ATS। और यहाँ पर है श्री श्रेष्ठनाथ महादेव जी। तो सोच रहा मम्मी जी मम्मी को यहीं पूजा वूजा करवा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर चल रहा है अपना भोग प्रसाद बांटने के लिए। पूरा देखो पानी वानी लगा के कनेक्टिंग लगा के ना बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। यहीं पूजा कर लो। कर रहे हैं पूजा, मम्मी करेगी पूजा महादेव जी। जय भोलेनाथ। यहाँ पर हलवा प्रसाद मिल रहा है, अन्नदान सेवा, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, बढ़िया बहुत सारा हलवा मिल रहा। दो दिन लग जाएगा लाइन में तब जाके हलवा मिलेगा। तो अभी हलवा नहीं खाएंगे हम, सीधा चलते हैं उधर नहाने। यहाँ तो मिलते ही रहेगा सब हलवा पूरी, आज शाम को ही बढ़ते ही रहेगा। क्या लेके घूम रहा है यार, गजब फुग्गा है। बहुत भीड़ है यार अयोध्या में, जितना टीवी में दिखता है ना उससे ज़्यादा भीड़ है। सब लोग इधर से जा रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं दर्शन करते हुए। चश्मा लाना भूल गया पूरा सर। तो चलते चलते हम लोग अभी यहाँ पर आ गए हैं और ये यहाँ से पूरा पूरे 32 और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम 15 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मक्खी यहाँ से कहाँ से मक्खियाँ आ गए हैं, मक्खी मार कहाँ से आ गए हैं। लता मंगेशकर चौक में देखते देखते मैं भी यहाँ पहुँच गया हूँ लता मंगेशकर चौक पे। देख सकते हो पीछे में वीणा बनी हुई है। तो इसको वीणा को लता मंगेशकर की याद में ही बनाया गया है और इसका नाम है लता मंगेशकर चौक। मस्त लग रहा है ना, सुंदर सा चौक बनाया है लता मंगेशकर के याद में। इंस्टाग्राम में ये सब अयोध्या के नाम से बहुत फेमस हुआ था, बहुत वायरल हुआ था। यहाँ के विचित्र विचित्र लोग भी हैं, फोटो खिंचा रहे थे। ये लड़का है देखो, गोल्डन पेंट करा के, असली लड़का है, गोल्डन पेंट करा के सब सब फोटो खिंचा रहे हैं। मैं वीडियो बना लेता हूँ उनके साथ। तो यहाँ पे बना हुआ है नया घाट सरयू घाट, यहाँ पर सब स्नान कर रहे हैं, जाएंगे आगे। देखो सब अपना अपना घाट पकड़ लिए हैं, मस्त साफ सुथरा पानी है। अभी हम लोग सरयू नदी में यहाँ पे नहाने आए हैं। वहाँ पर बच्चे लोग क्या कर रहे हैं देखो, जो सिक्का फेंक के जाते हैं ना सब कोई, उन लोग मैग्नेट से सिक्का को निकाल रहे हैं। दिखा बेटा कैसे निकालते हो तुम लोग, किसी उसी से निकालते हो ना। और सिक्का दिखाओ, सिक्का कहाँ है आपके। देखो कहाँ से निकाल रहा सिक्का, देखो इतना सारा, रख ले वापस रख ले। तो लोग कैसे रख रहा है, गजब एक आठ फंसाओ दो। देखो वहाँ फेंका वो,
अब लोग खींचेगा तो निकलता है, दिखाना मेरे को निकलेगा तो निकालो, नहीं निकला फिर फेंका। ये लोग जैसे मछली पकड़ते हैं लोग ना, तो ये लोग सिक्का पकड़ते हैं, जितने लोग शरीर में फेंक के जाते हैं सिक्का, सब यहाँ नहाने व्यस्त है। मैं भी उतार दिया कपड़ा, जाऊँगा जस्ट पानी में अभी। कहाँ पे नंगा मम्मी? और यहाँ देखो लता मंगेशकर चौक पूरा साफ दिख रहा है। नाव में मैं जा रहा हूँ, नाव में ले देख। अरे नहाने गोत ना मुड़ी नहीं लगेगा। कैसे ना हम सोच रहे हाँ दो बीस से भर के ला रहा हूँ, इधर करो पानी तो लगा के लगा। मैं जा रहा हूँ सरयू नदी का पानी भरने के लिए। बस बस छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है ठीक है। दस रुपया दे, रुपया तो 10 रुपया मांगा है। सरयू घाट में नहा के पूरा आनंद ही आ गया, और आज महाशिवरात्रि है तो मैं जा रहा हूँ महादेव की पूजा करने के लिए। अभी जल चढ़ाऊँगा, नीचे में ही महादेव का जी का छोटा सा मूर्ति और शिवलिंग है सरयू घाट में ही।
पहले कहाँ भंडारा कहाँ हो रहा है, उसके बाद क्या खोजते हैं? रेलवे स्टेशन कहाँ? सोने के लिए? हाँ, जाने के घर। अगर हम लोग भटक जाए तो पहले भंडारा खोजो, अच्छे से दबा खाओ, आधा घंटा आराम करो, फिर अनाउंसमेंट भी करवा दो। भटक गए सबसे नियरेस्ट कहाँ घर निकल जाए हाँ, तो भंडारा यहाँ हो ही रहे। तो अभी हम लोग यहाँ सरयू नदी से नहा लिए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग हनुमानगढ़ी मंदिर, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो ये रूट जो है सीधा यहाँ से ढाई किलोमीटर लगभग पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से सीधा, और धूप भी है। बट हम लोग नहा लिए हैं सरयू नदी में, तो बहुत ठंडा लग रहा है, पानी बहुत ठंडा था, उसका पूरा बॉडी हल्का हो गया। इधर जितने लोग दिख रहे हैं जाने वाले ना, ये सब नहाने ही जा रहे हैं, और इधर से जो जा रहे हैं नहा के जा रहे हैं। अंदर से ना बैठिए, अभी हम लोग पहुँच गया है हनुमानगढ़ी। यहाँ से रास्ता है हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का, ये देखो, जय श्री हनुमान। चलते हैं हनुमानगढ़ी। दिन भर यहाँ पर ना चहल कुछ लगे रहता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, पैदल ही फुल मॉल, गाड़ी देख के भीड़ बहुत तेज भीड़ है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी, और यहाँ पर RAF वाले खड़े हैं, रैपिड एक्शन फोर्स। ये हनुमानगढ़ी का द्वार, जय श्री हनुमान। अब अंदर मोबाइल ले आने देते हैं कि नहीं देते हैं पता नहीं, पर मैं अब जा रहा हूँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। क्या भीड़ है यार, क्या भीड़ है, सिर्फ मुंडी मुंडी दिख रहा था। एक प्रसाद हो गया, एक डब्बा ले लो बस, चल एक माला ले लो, चढ़ाने देंगे। हाँ फिर ले लो, एक पीस ले लो, एक पीस ले लो बस। श्री श्याम भोग प्रसाद हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम जी, एक माला। और चलते हैं अब हम, एक ही ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं। बोल रहे हैं पर्स को पीछे की जेब में ना रखें, पर्स पीछे की जेब में ना रखें। जय श्री राम, जय श्री राम। तो
हनुमानगढ़ी मंदिर, हनुमान जी दर्शन हो गए अच्छे से। चले पहन लो, एक पहना दो, पहनाओ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। भीड़ देख रहे हो यार, गजब भीड़ है। अभी जैसे हम लोग हनुमानगढ़ी, पापा इधर खड़ा चिल्ला रहे हैं, चले। तो अभी हम लोग कॉरिडोर में चल रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। देखो ये स्क्रीन पे दिखा रहा है, जब राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तब तक रेडियो। जय श्री राम। तो इसी रूट में हम लोग को आगे चलना है और पूरा कॉरिडोर मस्त चौड़ा बना हुआ है। घुमावदार नहीं, क्योंकि अभी सिंगल लेन में काम हो जा रहा है, इसलिए तो बगल वाले में से घुमा के ले जाते हैं। राम जी का फोटो लगा हुआ पूरा दीवालों पे, कटआउट लगा है राम जी का। और आगे में ही लॉकर बना हुआ है, तो लॉकर में मोबाइल वगैरह को शायद जमा कर रहे हैं, तो वहाँ मोबाइल जमा कर दूंगा और उसके बाद फिर भगवान दर्शन करने जाऊँगा। देखते हैं, मोबाइल जमा नहीं होगा तो मैं अंदर का वीडियो बनाऊँगा, जमा हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट हम दर्शन करके आ जाएंगे। ये सुग्रीव किला अयोध्या, सुग्रीव किला है। सोनाली कहाँ है कि बता तो दो पहले। सोनाली कहाँ पे है? देखो राम मंदिर दूर में, जहाँ पे बैग रखे थे वहीं से आके मिलो। सेवा तिलोई अमेठी,
जहाँ बैग रखे वहीं पे आके मिलो। श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता जो प्रयागराज से आए हैं दर्शन करने के लिए, वो जहाँ कहीं भी हो या किसी और सज्जन को मिले। तो ये जो एरिया है लगेज चेक करने वाला एरिया है, यहाँ अपना लगेज डालो, चेक होके अपना स्कैन होके अंदर जाएगा। तो इसे मैं अपना बैग चेक करवाऊंगा और फिर अंदर देख लो बैग। भैया बैग दे दो। भाई बैग चेक करवाओ, मशीन में डालिए बैग को, मशीन में डालिए। कुछ गड़बड़ कर देंगे, इतना यहाँ पर खर्चा करके बना रहे हैं राम जी का। बाद में वहाँ लॉकर है ना, वहाँ पे रखा है। चलो चलो। तो ये है लॉकर, लॉकर डिपॉजिटरी। यहाँ पर सबको अपना सामान को यहाँ पर जमा करना है, चाहे पैसे रुपए आई डी आइटम हो, छोड़कर अपने सामान जमा करें। तो मोबाइल अंदर ले आए नहीं दिया गया था, और अभी जैसे हम लोग दर्शन करके आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। कोई बात नहीं, मोबाइल हम लोग ले आ नहीं पाए दर्शन, मतलब मोबाइल में वीडियो नहीं बना पाए, बट दर्शन करने का जो फीलिंग था वो अलग ही था उस टाइम। और जो आएगा और दर्शन करेगा वही वो फील कर सकता है, मोबाइल में नहीं कर सकता है भाई, मज़ा ही आ गया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लॉकर है यहाँ से, लॉकर से अपना सामान लेके। बहुत ही अच्छा व्यवस्था, मतलब हज़ारों लोगों को एक साथ दर्शन करवाने का इतना सा फैसिलिटी बना के रखे हैं यहाँ पे। कुछ लोग सुंदर हो तो लोगों को नहीं समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं नहीं बोल रहे हैं, तो भी लोग इधर से जाना है, उन लोग को जाना है इधर से, और लोग यहीं पर जाम लगा के रखे हैं। तो दोस्तों अभी मैं पार्किंग पहुंच गया हूं और पूरा दर्शन वर्शन हो गया राम जी के, और वीडियो को यहीं पर एंड करने का समय आ गया है। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी राम मंदिर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट में करना, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा कि मैं गाड़ी कहाँ पे पार्क लगाया हूँ अपना। मल्टी लेवल पार्किंग है यहाँ पे, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, फोर व्हीलर में अगर कोई आता है तो ज़रूर मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकता है कैसे कहाँ दर्शन करना है। चलो चलो, ये एक नंबर है, हम लोग एक नंबर से। तो अभी मैं आ गया अपने मल्टी लेवल पार्किंग में, यहाँ पर गाड़ी को जो है पार्किंग किया था, जो बेहतरीन है, बेहतरीन मतलब आप फोर व्हीलर में आता ना तो आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए बेहतरीन यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बना हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा सूट्स है गाड़ी के पीछे में, पूरा खाने का सामान और रखाया हुआ है, तो मैं इसमें से लिटिल हट्स निकाल के खा रहा हूँ। मम्मी पापा जो है बाहर में वेट कर रहे हैं सब कोई, अपन यहाँ पर लिटिल हट्स खाएंगे, थोड़ा देर आराम फरमाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो चलो अब फाइनली बाय बाय कर दो चल।